तुम्हारा साइन किया हुआ चेक बैंक ने डिसऑर्डर कर दिया? जी मामा, सिर्फ मेरा नहीं, उमर का साइन किया चेक भी डिसऑन किया बैंक ने। क्या? हमारे लिए सैलरी के चेक्स बना के रखे थे उन्होंने। तुम्हारे दांत क्यों निकल रहे हैं? नहीं नहीं, एक्चुअली ना मैं उमर का सोच रही हूँ, मतलब एनी से शादी करके बेचारा किस हाल पर पहुँच गया है, इतने बड़े बिजनेस का ओनर अब सैलरी पर काम करेगा। फनी। अली, तुम मेरे वकील को फोन करो और उसे फौरन बुलाओ। जो पैसा मेरे और वजाहत के जॉइंट अकाउंट में है, वो भला बीवी का नाम कैसे कर सकता है? मामा, सिर्फ जॉइंट अकाउंट की नहीं, बिजनेस और प्रॉपर्टी की भी बात करें उनसे। ये सब कुछ हम इतनी आसानी से अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। ये उमर आ गया क्या? ये कमरे में शायद। ताहरा, पहले तुम अपनी बेटी की बर्बादी देखोगी और उसके बाद अपनी। भाई ताहरा तो बड़ी ही छोटी रस्तम दिखती है। भाई फायर पहले कर दिया और बात के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। जी बाबू, और उमर भी मुझे ही कसूरवार समझते हैं। वो कहते हैं कि जैसी माँ वैसी बेटी। देखो ये वजाहत भी कितना बेवकूफ निकला है, सारा कुछ बीवी के नाम कर दिया। बाबा, बात लाखों की होती तो कोई बात नहीं, लेकिन अम्मी ने तो करोड़ों रुपए की जायदाद और बिजनेस हथिया लिया, मालिक बन बैठी है वहां पे। भाई बात आ रहा, करोड़ों में खेल रही हूँ। अरे वो एक काम है, सारी जिंदगी इधर से पकड़ इधर से छीन के गुजारा करता है, और जब रिटायर होता है ना, अंदर कुछ नहीं होता हमारे खाली। और एक तारा है, एक ही छलांग है वो पहुंच गई, और मेरा भी नाम रहमत है, आरी रहमत एनकाउंटर, रहमत आरी। ऐसी तारा की गर्दन पे चलाऊंगा ये आरी के पास। बाबा बाबा प्लीज आप मेरी मदद करें। मदद तो मैं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा, और फिक्र नहीं करनी कोई भी। आई जी से हमारी रिश्तेदारी हो गई है, आई जी भाई साहब से। बस एक बात है, जो मैं कहूंगा वैसे तुझे करना होगा। बाबा आप जो कुछ कहेंगे ना, मैं करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा तो गौर से सुन, सुन रहा तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? फिक्र मत करो, तुम्हारी बेगम को मामा ने मार्केट भेजा है, तो देर से आएगी। वैसे बड़ा दुख हुआ सुनकर, जो सलूक तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ किया है वो, खैर इसीलिए जूस लाई हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें एनर्जी की जरूरत होगी ना। मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं नहीं, लेकिन यूं हाथ पर हाथ धर के बैठे रहने से भी कुछ नहीं होगा। तो क्या करूं, कत्ल कर दूं उस औरत का? बुरी बात? अरे भाई वो माँ है तुम्हारी, बल्कि सास भी है, माँ भी है और सास भी है, टू इन वन। अगर मेरा बस चले ना तो उससे वाबस्ता हर रिश्ते को शूट कर दो। हाय अफसोस, तुम ये भी नहीं कर सकते। एक तरफ तुम्हारे डार्लिंग अब्बा जान है, तो दूसरी तरफ तुम्हारी डार्लिंग वाइफ। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। शादी कर लो मुझसे। क्या
हाँ, थायरा से इंतकाम लेने का बेहतरीन रास्ता दिखा रही हूँ तुम्हें। बोलो, मंजूर है? तो मेरी बीवी है, ये वजाहत अली खान बीच में कैसे आ गया? मुंह बंद करे और जाए यहाँ से। चल चल, कर तू भी चल मेरे साथ। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? क्या हो रहा है? आंख भर आसमान। नादिया, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि शादो माँ की ये हालत हो जाएगी। ये तो बड़ी अम्मी की खुशनसीबी थी जिन्हें उनकी मोहब्बत मिल गई, वरना मोहब्बत की तरफ उन्हें भी इस हाल को पहुंचा देती। नहीं नादी, मुझे नहीं लगता कि अम्मी को मोहब्बत की जरूरत थी। अम्मी को तो सिर्फ दौलत की जरूरत थी, जिसे हासिल करके उन्होंने मुझे भी बुला दिया। मैं तो मान ही नहीं सकती बड़ी अम्मी को दौलत की हवस थी। खैर, मेरा मशवरा है तुम्हें, बड़ी अम्मी को उनकी जिंदगी जीने दो। जी हाँ, हमारी जिंदगी तो वो अजीरन कर ही चुकी। आजा बेटा, आजा। जी बाबा। ओके ना दे, चलते हैं। शादी माँ का ख्याल रखना। तुम बड़ी अम्मी का ख्याल रखना। खुदा हाफिज। क्या क्या कह रहे हैं सकीन अभी? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, मैंने अपने कानों से सुना है और आंखों से देखा है। उमेर समरा से शादी का वादा कर रहा था। बकवास कर रहा हूँ उमेर, ये सब मुझे और तहरा को धमकाने और दुख देने के लिए कर रहा है, वरना वो ऐसा कर ही नहीं सकता। इंतकाम पर उतरी औलाद बदतरीन दुश्मन से भी ज्यादा दुश्मन होती है। आप और तहरा वजाहत, आपको होश उस वक्त आएगा जब सब कुछ दांव पर लग जाएगा। बच्चों का उनका हक दे दे और जो आपा का है ना उनको वापस करते। ऐसा ना हो ये दौलत हमें हमारे ही बच्चों से दूर करते। अब कौन सी दूरी है और कौन सी नजदीकी है तहरा? नारक चाहो तो सबको जो कुछ उनका है लौटा दो, लेकिन ख्याल रखना जहां आ रहा आपा सिर्फ बिजनेस में शेयर होल्डर। मैं सबसे बात करती हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर सब कुछ वापस हासिल कर लेने के बाद उनके दिलों में मेरी मोहब्बत जागी गई तो इस बार मैं उसे कबूल नहीं करूंगा। बात ही बात में देखी जाएगी, मैं आपस से बात करती हूँ। मुजातनिया, दौलत एक फितना है, आप अगर बच्चों को उनका हिस्सा दे देंगे तो शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। गलती का एहसास तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, बहरहाल तारा जैसा चाह रही है कर ले। आजा बेटा, आजा। आइए बाबा। बाबा बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। वो बाबा मुझे बाजार में मिल गए थे तो छोड़ने घर तक आ गए। ओए उमेर बेटा, ये तेरे शरीफ बाप को क्या हो गया यार, उस औरत के चुंगल में फंस गया। अरे आपा जी, अस्सलाम वालेकुम। आपा जी कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमत साहब। ये आप कैसे बात है, पलट कर खबर भी नहीं ली कि मेरी बेटी कैसी है, किस हाल में है। जी आपा जी, मुझे तो आज पता चला है कि मेरी बेटी इस घर में किस अजाब से गुजर रही है। एनी, एनी यहाँ क्यों आए हैं? बाबा हैं ये मेरे, और बाप बेटी के घर क्यों आते हैं? ये घर तुम्हारा नहीं मेरा है, और इस घर में जो आएगा वो मेरी मर्जी से आएगा। कहो इनसे कि वो चले जाए यहाँ से। होश में तो है आप? ये एनी के बाबा हैं और इन्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। एनी ने अगर अपने बाप से मिलना है तो उनके घर जाकर मिले, ये घर मेरा है समझे तुम। कब्जा की हुई चीज मिल्कियत नहीं बन जाती। ये घर मेरा है और सिर्फ मेरा, और मैंने कोई कब्जा नहीं किया इस घर पर। ये घर मेरे शौहर ने मुझे गिफ्ट किया है। वो तारा? क्या हो गया तुम्हें?
पागल हो गई है? मैंने तो तुझे ये घर गिफ्ट नहीं किया। शट अप, मैं अपने शोहर की बात कर रही हूँ, वजाहत अली खान की। क्या? तू तो मेरी बीवी है, ये वजाहत अली खान बीच में कैसे आ गया? मुंह बंद करे और जाए यहाँ से। चल चल, तू भी चल मेरे साथ। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? क्या हो रहा? ये शख्स क्या कर रहा है यहाँ पे? अहमद बाबा एनी के बाप है, उन्हें यहाँ आने का पूरा हक है। ओ भाई, मैं तो एनी के साथ आया था अपनी रूठी बीवी को बनाने के लिए। रूठी बीवी? जी आपा जी, रूठी बीवी। अरे ठहरा बेगम, चलो मेरे साथ। अरे जो हुआ उसे भूल जा, मैंने तुझे माफ किया, तू मुझे माफ कर दे। चला चल। बकवास बंद करो तुम, मगर एक लफ्ज भी और कहा तो जुबान खींच लूंगा। भाई बात सुन लो भाई वजाहत अली खान, मेरी जबान बाहर भी आ गई ना और अपने जिस्म से अलग भी हो गई, तो एक ही नाम पुकारे जी, ताहरा ताहरा ताहरा। बस बंद कर जरील इंसान, तू ताहरा को तलाक दे चुका है। ये आप क्या कह रहे हैं अब्बा? मेरे ससुर की तोहिन करने का हक आपको किसने दिया है? मेरे बाप के साथ ये सुलूक? कमजर फिजल, निकल जा यहाँ से। कमजर रहमत साहब नहीं, ये औरत है जो बगैर तलाक लिए किसी दूसरे शख्स के साथ रह रही है। ये झूठ है, ये मुझे तलाक दे चुके हैं। एनी, तुम तो वहां मौजूद थी ना, इन्होंने तलाक दी थी ना तुम्हारे सामने। हेलो, कोई नहीं जाएगा, अब मेरी आखिरी बात सुन के जाएंगे। ताहरा, मैं तुझे तलाक देता हूं। नहीं रहमत, ताहरा मैं तुझे तलाक देता हूं। रहमत किसी बार ना देना। मैं तुझे तलाक देता हूं। नहीं, एनी वजाहत, ये क्या कर रहे हैं आप? खुदा के लिए आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पर जो तहरा उस घटिया शख्स को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेके जाऊंगा। बीवी है मेरी, नहीं मानेगी ना, कानूनी तौर पे ले जाऊंगा। और कानून तो तुझे पता है बेटी, तेरे बाप के घर का है कानून। तो मैं तलाक के तुमने निकाह पर निकाह कर रखा है, पर पता नहीं निकाह किया भी है या नहीं। चुप हो जाए अब्बा, इससे पहले कि सारे अदब लिहाज और एहतराम भुलाकर आपके अल्फाज तमाचे की सूरत आपको लौटा दूं। आंख भर आसमान, आंख भर आसमान।